रंगी सारी रंगी सारी गुलाबी चुनरिया रे मोहे मारे नजरिया सवरिया रे। कविता की सुरीली दुनिया तात मात भात बंधु आप डो न कोई रियल लाइफ में कैसी है कविता सेठ। सास बहू और बेटियां आज पहुंच गया है बॉलीवुड सिंगर कविता सेठ के घर, जहां आज कविता दिखाएंगी अपना होम स्वीट होम, छिड़ेगी सुरों की तान। तुमी दिन चढ़े तुमी दिन ढले तुमी ओ बंधु सखा तुमी। किचन में वो दिखाएंगी अपना कुकिंग टैलेंट और साथ ही शेयर करेंगी ढेर सारी बातें, किस्से और कहानियाँ। वैसे आपको बता दें कि कविता ने कई पॉपुलर सॉन्ग्स गाए हैं, जिनमें से खास है एक तारा तुम ही हो बंधु और हाल ही में पॉपुलर हुआ सॉन्ग जो है फिल्म जुग जुग जियो का सॉन्ग रंग सारी। तो चलिए सीधा चलते हैं कविता के घर करने ये सुरीला डे आउट। भाई घर पर पहुंचते ही सबसे पहले कविता ने अपना घर घुमाया, दिखाया अपने घर का मंदिर। वैसे कविता कान्हा जी की बहुत बड़ी भक्त है और देखिए उन्होंने अपना घर कुछ इसी तरह से सजाया है कि सब जगह बस कान्हा जी ही है। अरे वाह क्या बात है, आज तो सास बहू बेटियां हमारे यहाँ आया है, क्या बात है, प्लीज वेलकम। तो कविता जी हमारे साथ है और कविता जी के घर आज हम आए हैं और आज हम देखेंगे कैसा उनके साथ ये म्यूजिकल डे हमारा जाता है। तो कितना म्यूजिकल होने वाला है कविता जी? बिल्कुल, हमारा तो पूरा दिन सुरमय रहता है और कृष्णमय रहता है। तो आप देखेंगी आकर के कि चारों तरफ उन्हीं का जादू है, जैसे हमारे साथ हैं बाकी बिहारी जी। ये मैं एक शो में गई थी, तो बल्कि इसके बारे में बताऊंगी कि मेरा इतना मन था कि मैं शो से पहले दर्शन करके आऊं बांके बिहारी मंदिर के, और नहीं जाने को मिला कि चीफ मिनिस्टर आ रहे हैं, ऐसा कुछ स्टोरी था। और मैं जब पहुंची हूं तो सबसे पहले हेमा मालिनी जी ने मेरे हाथ में ये ही मूर्ति मुझे दी और मेरे तो झर झर बस आंसू बह रहे थे। मुझे लगा कि मैं इतनी तड़प रही थी कि मैं एक बार दर्शन कर लूँ और मेरे हाथों में खुद साक्षात ईश्वर कृष्ण भगवान खुद आ गए। तो मतलब सच्चे मन से कोई भी चीज़ मांगो तो कहते हैं मिलती है, तो बस मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ कन्हैया जी को। तो मेरे साथ ऑन स्टेज हमेशा वो रहते हैं, पता नहीं मतलब मैं क्या मानती हूँ, उन्होंने मुझे पकड़ के रखा है मुझे ऐसा लगता है। कृष्ण भक्त है तो कहेंगे नहीं, मैं बरेली से हूँ और घर में बहुत ज़्यादा मेरे पेरेंट्स भी कृष्ण भक्त हैं। तो मेरे पापा का भी जब भी फ़ोन आता है तो नमस्ते हाय हेलो कुछ नहीं होती, हमेशा बस वही बोलते हैं हेलो बेटा राधे राधे। तो वो एक तरीका है विश करने का, तो वो एक ट्रेंड सा है। तो हम लोग बस उसी माहौल में शायद पले बड़े हैं। तो एक और फंक्शन में कहीं गई थी तो ये राधा कृष्ण की जुगल जोड़ी मुझे दी गई थी, तो ये भी बहुत सुंदर है। तो बस चारों तरफ उन्हीं की लीला है। इवन आप इधर देखेंगे ये जो है रास लीला, इसमें जो कान्हा जी की कन्हैया जी की रास लीला है। इवन मुझे ये कुशन्स भी बहुत अच्छे लगे थे, तो मैं ये भी कृष्ण वाले ही उठ ले लिए थे मैंने। तो बस पता नहीं, और फिर अभी भी जैसे ये एक मोर पंखी का एक ही है
इसमें मोर पंख बना हुआ है, पता नहीं है, मतलब वही चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं शायद, आप जो चीज़ पसंद करते हो, जैसा लोग बोलते हैं कि आपका जैसा टेस्ट होता है आपको वैसे ही लोग मिलते चले जाते हैं, तो शायद पता नहीं, कन्हैया जी की कृपा है, बस चल रही है, और शायद इसी वजह से ये जो गाना है वो भी सांवरिया और कान्हा के ऊपर है कि रंगी सारी गुलाबी चुनरिया रे। इनके इनके आवाज़ के रंग में सब रंगे हुए हैं फिलहाल, और एक बार फिर मतलब जुग जुग जियो में जो ये सॉन्ग आ गया है तो अब और दिलों में राज करने वाला है। बिल्कुल, वो भी मैं जब गाना हुआ, कंपोज हुआ, जब हम लोगों ने कंप्लीट किया, तब भी मैं जब गाती थी तो ये कि रंगी सारी गुलाबी चुनरिया रे, मोहे मारे नजरिया सांवरिया रे, तो वही कान्हा की ही रास लीला का ही उसमें वो है, तो इसीलिए शायद वो उनकी कृपा से इतना बड़ा, इतना विराट हो गया। वैसे कविता सेठ को उनके गानों के लिए मिले हैं कई सारे अवार्ड्स। देखिए कैसे उन्होंने इन सभी अचीवमेंट्स को अपने घर में सजाया है, साथ ही इससे जुड़े कुछ खास किस्से भी कविता ने हमारे साथ शेयर किए। ये सारे जो आईफा अवार्ड है एक तारा के लिए मिला था, स्क्रीन अवार्ड्स हैं ये भी एक तारा के लिए, पीछे फिल्म फेयर अवार्ड है वो भी एक तारा के लिए, ये सारे अवार्ड्स एक तारा के लिए हैं। ये अवार्ड जो है ये मुझे तुम ही हो बंधु गाने के लिए मिला था, बिग स्टार एंटरटेनमेंट अवार्ड, और ये पीछे जो जीमा अवार्ड्स हैं ये सब एक तारा के लिए मुझे मिले थे, और भी बहुत ढेरों अवार्ड्स हैं, मुझे गिनती भी नहीं पता है कहाँ कहाँ में क्या किस किस के लिए मिले, मेजरली जो मुझे ध्यान है वो मैं बता रही हूँ आपको, जहाँ भी जाते हैं वहाँ लोग इतनी मोहब्बत देते हैं, इतने सारे अवार्ड्स, इतने सारे, वी आर ब्लेस्ड कि मुझे इतने सारे खूबसूरत तोहफ़ों से अवार्ड से नवाजा है। स्क्रीन अवार्ड्स में नॉमिनेशन हुआ था तो एक अवार्ड मुझे मिल गया, तो हमने कहा आप चलते हैं घर, तो बोले रुकिए आपको एक और अवार्ड मिलेगा, एक गाने के लिए एक अवार्ड मिलेगा, दो तीन अवार्ड किसके लिए, तो बोले नहीं नहीं आप वेट करिए थोड़ी देर, थोड़ा रुक के जाएगा, तब तक फिर अनाउंस हुआ मेरा नाम कि एक और अवार्ड मिल रहा है, उसमें क्या था बेस्ट न्यू टैलेंट इन म्यूज़िक, मैंने कहा ओ माय गॉड, इनका एक गाने के पीछे दो दो अवार्ड्स मिले थे, तो बहुत अच्छा लगा मुझे ये फर्स्ट ये अवार्ड मिला था, और फिर पीछे जब ये एक ये इसकी तो मुझे लगता है हर किसी की तमन्ना होगी, एक्टर्स क्या, डायरेक्टर्स क्या, फिल्म फेयर ब्लैक लेडी, तो ये जब मैं और अमित त्रिवेदी साथ में बैठे थे तो अमित को जब मिला था तो उसके बाद अमित का दोबारा नाम अनाउंस हुआ था अवार्ड के लिए, तो अमित मेरे को पकड़ा के गए थे अपनी ट्रॉफी, मैं फील कर रही थी कि जब मुझे मिलेगा तो कैसा लगेगा, तो इट वॉज़ एन अमेजिंग एक्सपीरियंस व्हेन आई गॉट दैट्स अवार्ड। मुझे मतलब ऐसा वो वाला गाना याद आ रहा था कि आजकल पांव जमीन पर नहीं पड़ते मेरे, तो मेरी वही हालत थी कि हाँ ओरे मनवा तू तो बावरा है, तू ही जाने तू क्या सोचता है, तू ही जाने तू क्या सोचता है, बावरे क्यों दिखाए सपने तू सोते जागते, जो बरसे सपने बूंद बूंद नैनों को मूंद मूंद, कैसे मैं चलूं देख ना सकूं अनजाने रास्ते, गूंजा सा है कोई एक तारा गूंजा सा है कोई एक तारा। ये आईफा अवार्ड्स ये वहाँ पर उस वक्त हुआ था श्रीलंका में, और उससे थोड़े दिन पहले ही ना आई थिंक 8-10 दिन पहले बहुत केरला में बहुत भयंकर कोई तो प्लेन क्रैश हुआ था, वो एक्सीडेंट हुआ था, तो पेरेंट्स बिल्कुल मना कर रहे थे नहीं कहीं नहीं जाना, फ्लाइट से जाना नहीं है ये वो, और फिर मैं और मिस्टर सेठ उस वक्त बोले कि अरे ये सब चीज़ें तो वंस इन अ लाइफ टाइम होती हैं, वी विल नॉट मिस दिस, वी विल गो, और हमने घर में बताया नहीं अपने पेरेंट्स को कि हम इस अवार्ड को लेने के लिए कोलंबो जा रहे हैं। जब उनका फ़ोन आया, फ़ोन लग नहीं रहा था वहाँ पे 2-3 दिन, फिर बच्चों से पता किया उन्होंने कि कहाँ है, तो बोले मम्मा तो गई है अवार्ड लेने के लिए। तो इसकी वो वाली मेमोरी है कि बहुत इंजॉय किया वहाँ पर भी कोलंबो में, इस गाने के पीछे हम बहुत जगह घूमे दुनिया भर में, और इतना प्यार मिला है इंडस्ट्री से, ऑडियंस से, सब लोगों ने, आज इतने साल हो गए हैं 12-13 साल, उसके बावजूद भी हर मॉनसून में एक ये गाना बजता है। कवि
कविता को बुक्स पढ़ने का भी बहुत शौक है, तो आइए जानते हैं कि किस तरह की बुक्स कविता को पढ़ना पसंद है। और हाँ, एक सेक्शन आपको दिखाती हूँ मैं अपना, कि मुझे बुक्स का बहुत शौक है। तो या तो ये पोइट्री सेक्शन है और इधर ये सारी स्पिरिचुअल बुक्स हैं जो मुझे बहुत पसंद है। टेस्ट के ऊपर है, जैसे कि मैं बशीर बद्र साहब को पढ़ती हूँ पोइट्री के लिए, और बाबा बुल्ले शाह है इधर, उनको है अमीर खुसरो को पढ़ती हूँ। हाँ, जैसे बाबा बुल्ले शाह की ये है, इस पर हम लोग काफ़ी, जब कुछ नहीं समझ में आता है तो कुछ इनको उठा लेते हैं, इनकी बुक्स में से इनकी काफ़ियाँ पढ़ते हैं। इनको बाबा फरीद है, हीर अमृता प्रीतम जी की पोइट्री है, गालिब को मैं बहुत पसंद करती हूँ, तो मिर्ज़ा गालिब को, इस पर मैंने पूरा एक कॉन्सर्ट भी किया था इन, और बहुत पसंद है मुझे इनका। और जैसे द पाथ ऑफ मिस्टेक, ओशो को मैं बहुत पढ़ती हूँ, सुनती हूँ, भागवत गीता भी है उसके बहुत सारे वर्जन्स हैं। रूमी को पढ़ती हूँ, तो रूमी का मैं पूरा, जो उनकी रुबाइयाँ हैं वो सारा पूरा मैं, जब गई थी कोया गई थी मैं टर्की, तो वहाँ से पूरा मैं लेकर के आई थी। आई थिंक यहाँ पर कुछ उसके पोर्शंस हैं, कुछ दूसरे फ्लैट में। वसीम बरेलवी है, ये मेरा क्या इनकी जो बुक है, ये भी बहुत सुंदर बुक है। ये वसीम साहब हैं, मेरा क्या, बहुत अच्छी गज़लें, नज़में, गीत हैं इसमें। तो हमारा बस इसी में समय चला जाता है। लोग बोलते हैं आपके फ्रेंड्स इंडस्ट्री में हैं या नहीं, मुझे लगता है कि किताबों से बेहतर कोई दोस्त नहीं हो सकता। आपका दिमाग खुलता है, बैठे बैठे एक जगह पे बैठे बैठे कहाँ कहाँ की सैर करके आ जाते हो। तो दीज आर माई फ्रेंड्स, ब्यूटीफुल फ्रेंड्स। कविता सेठ के घर में दो दो मंदिर है, एक वहाँ जहाँ है भगवान जी का वास, और दूसरा है संगीत का ये मंदिर जहाँ सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, और यहाँ ही कविता और उनके बेटे म्यूजिक का सारा काम करते हैं। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कविता की म्यूजिकल दुनिया, जहाँ सुरों में ये खो जाती है और साथ ही छिड़ जाती है सुरों की तान। मेरी जो दिनचर्या रहती है, सुबह उठ के रियाज करना और अपने ठाकुर जी की पूजा करना, थोड़ा सा श्रृंगार करना, तो लड्डू गोपाल जी हैं, गणपति जी हैं, मिस्टर सेठ का नाम भी कृष्ण कुमार सेठ था। तो मैंने, काफ़ी लोग पहले बोले मैं कि आप यहाँ क्यों रखते हो, मैंने कहा कि मैंने साक्षात ईश्वर को तो नहीं देखा है, मेरे मेंटर यही थे, और मुझे जो ज़िंदगी के जो तजुर्बे और ज़िंदगी के बारे में जो एहसास कराया, वो काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने गाइड की थी, तो इसलिए मैं इनको यहाँ पर विराजमान रखती हूँ। मैं आपको एक दूसरे मंदिर में लेके चलती हूँ, जहाँ हमारा पूरा दिन का समय जो है क्रिएटिव चीज़ों में व्यतीत होता है। तो आइए आपको मिलवाते हैं, प्लीज़, कनिष्क। तो मैं और कनिष्क काफ़ी सारा टीम वर्क करते रहते हैं, कंपोज करते रहते हैं। तो ये हमारा म्यूज़िक रूम है, तो इसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स आपको नज़र आएंगे, इस पर कनिष्क काम करते हैं। और ये कविश जो हमारे एल्डर सन हैं, कविश, तो उनके इंस्ट्रूमेंट्स हैं इसमें। उन्होंने ये जो इंस्ट्रूमेंट है नूरी, ये उनका इन्वेंशन है। ये मैं दिखाती हूँ, दिस इज़ द थर्ड ड्राफ्ट,
ये थर्ड ड्राफ्ट है नूरी का जो कविश ने बनाया है, मतलब इसको इन्वेंट किया है। हिंदुस्तान में 180 सालों में कोई इंस्ट्रूमेंट इन्वेंट नहीं हुआ है। तो ये कविश IIT पवई से पास आउट हैं, तो उन्होंने भी कहा कि मुझे संगीत में ही कुछ करना है, और ही इज़ वर्किंग, ही इज़ रिसर्चिंग, और काफ़ी सारी बेहतरीन चीज़ें हिंदुस्तान के संगीत के लिए वो कर रहे हैं। तो ही इज़ वेरी क्रिएटिव। तो उनके बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे उसको लगा कि मेरे लिए, उसने अभी थोड़े दिन पहले एक ये द्वितारा मंगाया था। हाँ, ये निकल गया है, वो ठीक हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। तो ये कि मम्मा जब आप गाते हो तो इसमें एक ही टोन, एक ही सुर की आवाज़ आती है, तो ये उन्होंने मेरे लिए मंगा करके दिया, जो स्पेशल कोई बनाते हैं मिरज में, उनसे मेरे लिए ये बनवाया। और इलेक्ट्रिक गिटार है और नायलॉन गिटार है, मतलब बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, और पता नहीं जहाँ उसको जो अच्छा लगता है वो मंगवाते रहते हैं। हमने बीच में फिर ईरान से डफ मंगाई थी, मैं आपको एक खोल के दिखाती हूँ। इसमें मौलाना रूमी की फ़ोटो है, और इसमें बैक साइड में ये रिंग्स लगे होते हैं, इसको करने का तरीका है। तो ये भी पीछे से इनकी भी साउंड्स रहती हैं, और ये भी मुझे बहुत अच्छे से नहीं प्ले करना आता, इट्स ब्यूटीफुल। इसमें पेंटिंग भी रहती है। तो हमने काफ़ी सारे ईरान के जो आर्टिस्ट हैं वो पुणे में रहते हैं, तो हम उनसे मिले, उनके साथ जैमिंग की, उनके साथ बैंड भी परफॉर्म किए थे कई साल पहले, तो बहुत मज़ा आया। तो दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स आई हैव, और ये सूफ़ी के लिए तो बहुत अच्छे रहते हैं कि डफ बजती है उसमें, रबाब और फ्लूट, तीन इंस्ट्रूमेंट्स मेन होते हैं सूफ़ी म्यूज़िक के लिए। तो वो हमारी कोशिश है कि हम कुछ कुछ थोड़ा 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 सीख पाएँ। आज अब हम यहाँ क्या क्या सुनने वाले हैं, सूफ़ी सुनेंगे, क्या क्या सुनने वाले? बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें आपको सुनाएंगे हम। आपको सबसे पहले बताते हैं कि जो हमारा ये गाना जो अभी इस समय बहुत ज़्यादा वायरल हो गया है, कनिष्क से भी, कनिष्क की स्टोरी सुनिएगा कि कनिष्क ने ये गाना बनाया कैसे। कनिष्क हम तो आज आपके सामने जो है रंग सारी की कैसी चली है तैयारी, कैसी हुई थी तैयारी कहेंगे, वो आज पूरी जानेंगे। ठीक है, तो आप दोनों बताइए कि कैसे हुआ है। तो मुझे याद है आई वाज लाइक सिटिंग हियर ओनली इन द स्टूडियो, एंड आई थिंक बहुत पुरानी बात है, 2015 या 16 की बात है, जब मैं ऐसे ही म्यूज़िक प्रोड्यूस कर रहा था, मॉम आई एंड शी इज़ लाइक मुझे इस पे कुछ गाना है, तो उन्होंने गाया। मुझे भी गाना बहुत पसंद था पहले से, क्योंकि बहुत सालों से मैं सुनते हुए आ रहा था। तो फिर मैंने इनको रिकॉर्ड किया, फिर मेरे पास मैंने एक लूप कुछ बना दिया था, देन काफ़ी सारे आइडियाज़ आने लग गए थे वोकल चॉप्स के, कैसे इसकी बीट भी बना सकते हैं। सो देन वी मेड अ ड्राफ्ट, वी मेड शशांक खेतान, काफ़ी नामी डायरेक्टर हैं, उनको काफ़ी पसंद आया था। तो पहले गाना एक्चुअली उनकी फिल्म धड़क में जा रहा था, पर फिर फॉर व्हाटएवर रीजंस इट डिडंट हैपन। देन वी वर लाइक, अब गाना ऑलरेडी बन चुका है, एंड यू नो लाइक अब क्या करें। तो वी रिलीज्ड इट इंडिपेंडेंटली, वी मेड लाइक अ ब्यूटीफुल एनिमेटेड वीडियो, एंड अब जब वो गाना काफ़ी वायरल हो गया हर जगह, तो अगेन शशांक खेतान रीच्ड आउट टू अस, वाज लाइक मुझे ये गाना अपनी फिल्म में यूज़ करना है, बट अगेन इट डिडंट हैपन फॉर हिज फिल्म। बट उनकी टीम से जो म्यूजिक सुपरवाइजर है, ही रीच्ड आउट टू अस एंड ही वाज लाइक, यू नो आई वांट टू यूज़ दिस सॉन्ग, इट्स अ ग्रेट सॉन्ग, बट वी हैव टू स्लाइटली मॉडिफाई इट। तो वो भी मॉडिफिकेशन इधर ही हुआ है स्टूडियो में। सो दिस इज लाइक अ प्लेस वेयर वी मेक एवरीथिंग, वेयर यू नो आई वेक अप एंड लाइक आई जस्ट कम टू माई होम स्टूडियो। सोते भी यहीं से निकल करके हैं, और आते साथ भी सबसे पहले यही रूम में खोल करके, बिकॉज आर पैशन, मेरा ही नहीं और इन दोनों का, कविश कनिश का भी, दोनों का ही पैशन म्यूज़िक है। और सबसे जो एक बेहतरीन चीज़ है कि खुद से है, मन से, जैसे कि कई बार पेरेंट्स फोर्स करते हैं कि नहीं तुमको यही करना है, यही करना है, वो चीज़ नहीं है, वो इन लोगों के अंदर वो आग है कि मुझे कुछ करना है म्यूज़िक में, और बेस्ट ऑफ द बेस्ट का, बल्कि कई चीज़ों में मुझे लगता है ये लोग मुझसे, मुझे लगता है कि नहीं जल्दी जल्दी ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, ये लोग कहते हैं नहीं जो करो बेस्ट करो, मतलब भले ही टाइम लगे लेकिन बेस्ट निकलना चाहिए। कविता के इस म्यूजिकल रूम में कई सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, और साथ ही इनके दोनों बेटों को भी म्यूजिक का काफी शौक है, और जब माँ बेटे मिले तो शुरू हुआ संगीत का ये सुहाना सफर। तो आइए
हम भी खो जाते हैं इस सुरीली दुनिया में। आरी गुलाबी चुनरिया रे, मोहे मारे नजरिया सावरिया रे, मोहे मारे नजरिया सावरिया रे, रंगी सारी है रंगी सारी, रंगी सारी गुलाबी चुनरिया रे, मोहे मारे नजरिया सवरिया रे। जाओ जी जाओ, जाओ जी जाओ, जाओ जी जाओ, बनाओ ना बतिया, अजबाली है मोरी उमरिया रे, मोहे मारे नजरिया सवरिया रे, मोहे मारे नजरिया सावरिया रे। रंगी सारी गुलाबी चुनरिया रे, मोहे मारे नजरिया सावरिया रे, मोहे मारे नजरिया सावरिया रे। साचा साहेब एक तू बंदा आशिक तेरा, साचा साहेब एक तू बंदा आशिक तेरा, बंदा आशिक तेरा, बंदा आशिक तेरा, सिफत तुम्हारी क्या करूं, तुम हो गहर गंभीरा, सूरत में मुहूर्त बसी खोए निरख कबीरा, साचा साहेब एक तू बंदा आशिक तेरा, साचा साहेब एक तू बंदा आशिक तेरा, मेरी मेट के मोहे कर होशियारा, गफलत मेरी मेट के मोहे कर होशियारा, भगत भाव विश्वास में देखूं दरस तिहारा, साचा साहिब एक तू बंदा आशिक तेरा, साचा साहिब एक तू बंदा आशिक तेरा। अब मैं आपको एक वो गीत सुना रही हूँ जो कि 12-13 साल हो गए रिलीज हुए और आज तक भी उसकी पॉपुलैरिटी बिल्कुल भी ज़रा भी कम नहीं हुई है, और हर मॉनसून में या हर कॉन्सर्ट में जब भी मैं जाती हूँ इसके बगैर वो कॉन्सर्ट कंप्लीट नहीं होता या वो मॉनसून सीज़न कंप्लीट नहीं होता। तो आई एम सिंगिंग दैट सॉन्ग। ओरे मनवा तू तो बावरा है, तू ही जाने तू क्या सोचता है, तू ही जाने तू क्या सोचता है, बावरे क्यों दिखाए सपने तू सोते जागते, जो बरसे सपने बूंद बूंद नैनों को मूंद मूंद
कैसे मैं चलूं देख ना सकूं अनजाने रास्ते गूंजा सा है कोई एक तारा 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 धीमे बोल कोई एक तारा धीमे बोल कोई एक तारा गूंजा सा है कोई एक तारा गूंजा सा है कोई एक तारा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई मेरे तो तात मात भ्रात बंधु आपड़ो न कोई छाड़ दई कुल की कान का गिरधर गोपाल दूसरो न कोई मेरे को कविता वर्सटाइल सिंगर है और ये हुनर साफ देखने को जाहिर है। वैसे कविता अच्छी सिंगर होने के साथ साथ एक बहुत अच्छी कुक भी है। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ गाना ही गाती हूँ, मैं उतना ही अच्छा खाना भी बनाती हूँ। क्योंकि गाना खाना मुझे लगता है जितने भी आर्टिस्ट हैं वो जितना अच्छा गाते हैं उतना अच्छा कुकिंग भी जानते हैं। तो देखिए मैं आज आपके लिए क्या बना रही हूँ। आज मैं आपके लिए भिंडी की सब्ज़ी बना रही हूँ, तो इसमें बहुत मज़ेदार तड़का लगाया है और ये आपको मिलेगी 5-7 मिनट के बाद। एक मज़ेदार स्टोरी आपको सुना रही हूँ कि मैं जब अमित त्रिवेदी जी के साथ एक फ़िल्म के लिए काम कर रही थी तृष्णा में, तो मैं डेली, मुझे पता था उनको ये क्या क्या पसंद है, मैं डेली कुछ ना कुछ बना करके ले करके जाती थी। तो जब ख़त्म हो गई रिकॉर्डिंग 8-10 दिन के बाद उनके असिस्टेंट का फ़ोन आता है, कविता जी खाना कहाँ है? मैंने कहा गाना गवाओगे तो खाना मिलेगा। तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हैं गाने और खाने की। और ये हमारी है मैडम कुक भारती, इधर आइए, जो हमारा पूरा किचन संभालती हैं। हाँ, ये गाना बिल्कुल फिट हो रहा है। यारा तेरे सदके इश्क सिखावे तो आई जग तज के, इश्क सिखावे तो यारा तेरे सदके, इश्क सिखावे तो आई जग तज के, इश्क सिखा जब यार करे परवा मेरी, मुझे क्या परवा इस दुनिया की, जग मुझ पे लगाए पाबंदी, मैं हूँ ही नहीं इस दुनिया की, तुम्ही दिन चढ़े तुम्ही दिन ढले तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए कविता को काफी मेहनत करनी पड़ी और कविता ने सुनाया अपना सफरनामा, कुछ खास किस्से और कहानियाँ, कैसे वो सिंगिंग के करियर में आई और उन्होंने अपना नाम कैसे बनाया। मैंने जब से होश संभाला है तब से गा ही रही हूँ और मेरा ड्रीम था कि मैं संगीत में कुछ बहुत बड़ा काम करूँ। तो अब मुझे जब मैं पीछे पलट के देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वो सपने भी ईश्वर उन्हीं को देता है जिनको वो पाने की चाह भी वही देता है, वो आग भी वही पैदा करता है, सब कुछ वही देता है। तो बस मेरी जर्नी मेरे ख्याल से 40 साल तो हो गए मुझे सीरियसली म्यूज़िक में काम करते हुए। और मैं यहाँ 2005 में बॉम्बे शिफ्ट हुई तो यहाँ की एक अलग जर्नी थी। ड्रीम तो सभी का होता है हिंदुस्तान में जो भी थोड़ा बहुत गा लेता है कि मैं बॉलीवुड में कुछ ट्राई करूँ या कि
चुकी हूँ कि आप एक भी गाना गा लेते हो, हिट हो जाता है, तो वो मासेस तक एक साथ इतने सारे लोग उसको सुन लेते हैं, तो एक बहुत बड़ा फ़र्क रहता है। तो मेरा भी सपना था कि मैं इंडस्ट्री में कुछ करूँ। मैं दिल्ली में रहती थी बॉम्बे शिफ्ट होने से पहले, तो मुझे सतीश कौशिक जी ने ब्रेक दिया था फिल्म वादा में। वो गाना जब रिकॉर्ड करने आई तो भट्ट साहब ने, महेश भट्ट साहब ने, उनसे मैं मिलने गई तो उन्होंने भी मेरे से कहा कि तुमको सीरियसली म्यूज़िक में कुछ करना है तो बॉम्बे आके रहो। फिर मैंने आफत कर दी घर में दिल्ली में कि मैं बच्चों को लेके शिफ्ट हो जाऊंगी। मिस्टर सेठ की पोस्टिंग उस वक्त नागालैंड में थी, दीमापुर में, तो वो एक साल के लिए दीमापुर रहे, मैं बच्चों को लेकर के बॉम्बे शिफ्ट हो गई। बोले कि उस साल तुम अपना सब जगह प्रोडक्शन हाउसेज में मिलो, क्या होता है। लेकिन मैं जाती थी, लोगों से मिलती थी तो सब कहते थे आवाज़ बहुत अच्छी है, लेकिन इस आवाज़ में यदि आप डबल मीनिंग और कोई वैसा रॉन्ची गाना कुछ गाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं घर आके उदास होती थी, मैंने कहा मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पर सर्वाइव कर पाऊँगी, कुछ होगा कि नहीं। लेकिन वो हम लोग फ़ोन पे बात करते तो वो हमेशा ही बोलते थे तुम रियाज़ करते रहो, हम लोग देखेंगे कोई ना कोई रास्ता निकलेगा, तुम बस रियाज़ करते रहो। तो बस मैं रियाज़ कर रही थी। देन वी स्टार्टेड आर ओन कॉन्सर्ट्स, क्योंकि हमको एक ये था कि कोई भी काम करना है तो सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ में करना है। जैसे कि अजीब सी छवि है म्यूज़िक इंडस्ट्री या फिल्म इंडस्ट्री के बारे में, तो मुझे था कि मुझे कोई भी किसी भी तरीके से अपने टर्म्स पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। जो भी मेरी अपनी सोच है, जो भी मेरा तरीका है, मुझे वैसे ही काम करना है। तो वी स्टार्टेड आर ओन कॉन्सर्ट्स, हमने डिज़ाइन किया और शोज़ शुरू किए। उसके बाद मुझे ये गाना मिला था एक तारा, और फिर वो सिलसिला शुरू हुआ अच्छे अच्छे गानों का, और मुझे एक से एक बेहतरीन गाने मिले। जैसे फिल्म राजनीति में मैंने मोरा पिया मुझसे बोलत नहीं गाया, इतना खूबसूरत गीत। फिर मुझे फिल्म नीरजा में राम मधवानी जी ने एक मौका दिया तो मैंने जीते हैं चल, वो बहुत इंस्पिरेशनल सॉन्ग, वो मैंने गाया। फिल्म मात्र में मैंने एज ए कंपोज़र माँ के ऊपर एक बहुत अच्छा ऐसी होती है माँ, वो गाया। तो बहुत अच्छे अच्छे मौके मिले। मैं अब समझती हूँ कि मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ कि मैंने जितने भी सॉन्ग गाए, मेरा जैसा नेचर है, टेस्ट है कि बहुत मीनिंगफुल गाने हों, सोलफुल सॉन्ग हों। में एक बहुत सुंदर गीत मैंने गाया था जिसको प्रसून जोशी जी ने लिखा है। कहता ये पल खुद से निकल, जीते चल जीते चल जीते चल जीते चल, गम मुसाफिर था जाने दे, धूप आंगन में आने दे, जीते चल जीते चल जीते चल जीते चल। कैसा लगा आपको आज हमारा ये डेली रूटीन सेशन? ऐसे ही आप प्यार देते रहिए, जल्द ही मिलेंगे दोबारा। नमस्कार। तो भाई हम तो यही कहेंगे कि कविता आप यूं ही अपने सुरों के जादू से अपने फैंस को करते रहिए एंटरटेन, और अपने दर्शकों को दीजिए अच्छे सुरीले गाने। ओरे मनवा तू तो बावरा है, तू ही जाने तू क्या। मुंबई से नूपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। क्यों दिखाए सपने तू सोते जागते।